हो सकता है, हम तो सुनने में आ रहा था कि मोतियापुर में प्रोग्राम हो रहा है मोदी जी का, और पता ही में फिर झूठ सांच बोलेंगे, जनता को झूठा आश्वासन देंगे क्या चाचा? इस बार तो यही ना करेंगे कि हमारा ई भेलाओ, ई गड़बड़ी के चलते हम तो न हवाई जहाज चालू भेलाओ। कहते थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो वो लोग कहता था कहाँ से लते पैसा, अपना बाबू कने से लते पैसा। आ जब सत्ता में हमारे साथ आए तो वो लोग मजबूर हो गए कि देखिए अब तेजस्वी यादव दिमाग लगा दिया, अरे वो हवा बिहार के पार्टी है और हवा बिहार बोल करके सत्ता में गई, अब जनता समझ चुकी है उनका गारंटी कहो काम हुआ जाए फिर गारंटी का बात कर रहे हैं। गारंटी उनका इस चीज़ का है जो झूठ बोलने में हम सबसे बड़का एक्सपर्ट हैं, इसका गारंटी वो देते हैं। बिहार की जनता जग गई और बिहार ही देश के राजनीति का दिशा इस बार तय करेगा। आज जो 22 स्कोप दिखाते हैं और बिहार के जनता, बिहार की जनता है उस गरीबों का जो सम्मान करेगा उसको गुंडा मवाली कहिएगा। आपका क्या भ्रष्टाचार मुजफ्फरपुर में हुआ है एक एक जनता ना जान रही है। कभी आप उनके दरवाजे पर जाते तो डर के मारे सिकुड़ के जाना पड़ता है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वैशाली लोकसभा सीट काफी हॉट सीट माना जा रहा है और लगातार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता का जो है लगातार आगमन जो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। और एक बार फिर से 13 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा जो है पताही एयरपोर्ट पर होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता जी हैं बातचीत करने के लिए, अभी चुनावी कार्यालय में कांटी में है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं वैशाली का चुनावी सवार का? प्रकाश जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा आज पार्टी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है अभी थोड़ा देर पहले मुन्ना शुक्ला जी के द्वारा, हमारे विधायक इसराइल मंसूरी भूतपूर्व मंत्री के द्वारा पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। अभी 5000 की संख्या में राजद के विधानसभा क्षेत्र से, मतलब कांटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के कार्यकर्ता लोग यहां एकजुट हुए हैं, और सभी लोगों को हमारे प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी की तरफ से, इसराइल मंसूरी जी की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि 17 बनाम 17 साल तेजस्वी यादव 17 महीना में के सरकार में जो काम किए हैं उस काम को एक एक जन तक आप लोग सारे कार्यकर्ता बंधु आप लोग जाकर के पहुंचाइए। ये बिहार के विकास किसके द्वारा हो सकता है, कौन सत्ता में आने के बाद बिहार का विकास, हिंदुस्तान का विकास कर सकता है, इस चीज़ को मुन्ना शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है। 17 महीना में तेजस्वी यादव जो वादा किए थे नौकरी का और किस तरह से वो 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं इसके बारे में बताए हैं। स्वास्थ्य विभाग में किस तरह चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी तेजस्वी यादव की जी के समय में उस चीज़ को बताए हैं मुन्ना शुक्ला जी। मुन्ना शुक्ला जी बताए हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन का के नाम, तेजस्वी यादव के नाम से जाना जाएगा बिहार, इस चीज़ को मुन्ना शुक्ला जी और इसराइल मंसूरी जी बताए हैं और बोले हैं कार्यकर्ता लोगों को कि आप जा करके एक एक जन तक इस बात को समझाइए, लोग को बताइए कि बिहार का विकास किस तरह से होना है। हमारा लड़ाई जिस पार्टी से है वह पार्टी जुमलोबाजी पार्टी है, झूठ साँच की पार्टी है, वो कभी जो वादा की उस वादा पर कभी खरा उतरी नहीं, वो वादा से विरोध में चलती है, इस बात से जनता आक्रोशित है। तो जन जन तक हमको इस बात को पहुंचाना है, और आज कार्यकर्ता लोग सब उत्साहित थे, सभी लोग के एक बार नारा लगा करके बोले हैं कि हम इस बात को एक एक जनता तक पहुंचाएंगे, और यह आज से चुनाव का आगाज हम लोग का हो गया। क्या कहेंगे पताही में फिर से प्रधान? अरे प्रकाश जी वो तो पताही में आए थे पिछले लोकसभा चुनाव में और बोले थे कि हम अगला बार जब आएंगे तो उससे पहले यहाँ से हवाई जहाज उड़ना शुरू होगा। आप उनको बोल देना है और बोल के सिर्फ विपरीत काम करना है, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। और मोतीपुर चीनी मिल में भी हुआ है एक सभा को विधानसभा चुनाव में, जिस समय विधानसभा का चुनाव था उस समय भी बोले थे जब हम आएंगे तो अगला बार आएंगे तो मोतीपुर चीनी मिल का चाय पिएंगे। हो सकता है, हम तो सुनने में आ रहा था कि मोतियापुर में प्रोग्राम हो रहा है मोदी जी का, लेकिन हो सकता है लाज के मारे मोतीपुर को चाय काट करके और वो लोग पता ही गया है, और पता ही में फिर झूठ सांच बोलेंगे, जनता को झूठा आश्वासन देंगे क्या चाचा? इस बार तो यही ना करेंगे कि हमारा ई भेलाओ, ई गड़बड़ी के चलते हम तो न हवाई जहाज चालू भेलाओ, फिर वो झूठ सांच बोल करके जाएंगे। उनका तो जुमलाबाजी पार्टी है, इसलिए हम लोग को उस बात पर नहीं जाना है। हमारा नेता
का जो एजेंडा है, जो हमारा घोषणा पत्र में जो यह दिया गया है कि 200 यूनिट हम हर नागरिक का बिजली माफ़ करेंगे, इस चीज़ को हम लोग को एक एक जन तक पहुंचाना। के द्वारा विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है वो कैसे कर देंगे 200 यूनिट इतना महंगा? अरे विपक्षी, अरे वो उनके लिए किसी काम को उनका, वो तो जिस समय तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे उस समय होता था कि तेजस्वी यादव कहते थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो वो लोग कहता था कहाँ से लते पैसा, अपना बाबू कने से लते पैसा। आ जब सत्ता में हमारे साथ आए तो वो लोग मजबूर हो गए कि देखिए अब तेजस्वी यादव दिमाग लगा दिया, अरे बिहार आप कहाँ से पैसा आएगा। वो लोग जो कहता है ना, आप देख लीजिएगा, तेजस्वी यादव नाम है उनका, लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़े और तेजस्वी यादव ये आर्थिक न्याय के लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक एक गरीब बुढ़वा को चाहते हैं जो समान धारा में हम लाएँ, गरीब बुढ़वा का भी बाल बच्चा नौकरी चाकरी में जाए, गरीबों को भी सम्मान मिले। ये एकदम लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चलते हैं। और आप भरोसा रखिए, इतना प्रकाश जी मैं कह देता हूँ, आप भरोसा रखिए कि कैसे होगा आप देख लीजिएगा। सरकार सत्ता में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग वादा खिलाफी लोग नहीं हैं, वादा जो करते हैं उसको पूरा करते हैं। 400 पार के बाद? अरे 400 पार क्या, 150 में उसी मट जाएंगे। इसे बोल रहे हैं? अरे वो हवा बिहार के पार्टी है और हवा बिहार बोल करके सत्ता में गई। अब जनता समझ चुकी है जे हमको हवाबाजों के साथ नहीं रहना है, हमको काम करने वाले के साथ। के द्वारा लगातार सभा किया जा रहा है, वहाँ पर बोला जा रहा है कि राशन मिलिए रहा है फ्री में, आयुष्मान कार्ड मिलिए रहा है, स्वास्थ्य सुविधा। अरे प्रकाश जी, 5 किलो राशन जो दे रहे हैं गरीबों को, आप जरा उस गरीब जिसको राशन मिलता है उससे जाके पूछिए, जब मनमोहन सिंह के सरकार में 300 रुपया दिहाड़ी कमाता था वो, और 300 रुपया में उसके परिवार में जो भी ज़रूरत के सामान है वो सब पूरा हो जाता था। महंगाई उस समय इतनी कम थी। आज 500 रुपया लोग दिहाड़ी कमाने वाला को भी एक शाम भोजन के लिए गारंटी की सरकार, अरे कहीं ना कहीं उसको कमी रहता है। गारंटी की गारंटी का, अरे वो तो बहुत लोग को बहुत कुछ का गारंटी दिए। वो कहते थे कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, वो कहते थे कि 15 लाख लोगों सब गरीब के खाता में हम भेजेंगे। उनका गारंटी कई गो काम हुआ जाए फिर वो गारंटी का बात कर रहे हैं। गारंटी उनका इस चीज़ का है जो झूठ बोलने में हम सबसे बड़ा एक्सपर्ट हैं, इसका गारंटी वो देते हैं। क्या माहौल रहेगा वैशाली का, मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार में हम जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने दिल्ली में। 4 लाख से, 4 लाख से? अरे वो 4 लाख, 400, 4000, 4 करोड़ वो कुछ करें, उनका सब फेल है, कुछ नहीं होने मिलने को है उनको। बिहार की जनता जग गई और बिहार ही देश के राजनीति का दिशा इस बार तय करेगा, और बिहार ही देश के राजनीति को बताएगा जे जुमलेबाजों का हिसाब किताब कैसे बिहारी लेता है, इस बार तय है। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं फिर से मिलेगा उपहार? अरे फिर एगो नया बायोस्कोप दिखाएंगे। आप बच्चे रहे होइएगा तो देखे होइएगा, एगो बायोस्कोप वाला घूमता था चाचा, तो याद है ना, दिल्ली शहरिया देख लो, कुतुब मीनार देख लो, वो सब बात जो बायोस्कोप दिखाते हैं। और बिहार के जनता, बिहार के जनता है उसको समझना पड़ेगा। बायोस्कोप हम गुंडा मवाली को आप लोग, अरे गुंडा मवाली, गरीबों का जो सम्मान करेगा उसको गुंडा मवाली कहिएगा। आपको क्या भ्रष्टाचार मुजफ्फरपुर में हुआ है एक एक जनता ना जान रही है, पूरे वैशाली मुजफ्फरपुर कौन किया? अरे हमारा साथ जो अभी लड़ाई जिससे है उसके बारे में सब लोग जान रहा है जो क्या किया लो आम लोगों के साथ। कभी आप उनके दरवाजे पर जाते तो डर के मारे सिकुड़ के जाना पड़ता है। जनता अब वैसा नेता नहीं खोजना चाहता है, जनता फ्री मिजाज के नेता खोजता है। जहाँ रुको हो शुक्ला जी, रुकू रुकू शुक्ला जी, रुक गए 2 मिनट में, अब वो लोग खोजता है, अब वो हवा बिहार गया। जीत रहे हैं आप? जीत क्या, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में, और हिंदुस्तान का दिशा तय करेगा बिहार, जान जाइए। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और लगातार अलग अलग जगहों से आपको जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा सीट पूर्णिया के बाद जो है काफ़ी हॉट सीट है, और देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता का जो है यहाँ पर आगमन हो रहा है। बीते 13 तारीख को जो है पताही एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा होना है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्या वहाँ पर कितने लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाशन लाइव पे बने रहें, तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।